तो देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, और लास्ट लेक्चर के सबसे लास्ट में हम लोगों ने सीखा कि जो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूल होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट इंटर मॉलिक्यूलर वाले से कम होता है। इंट्रा में क्या होता है, वापस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, दूसरे से नहीं बनाते। जब दो मॉलिक्यूल के बीच में कोई बॉन्डिंग ही नहीं होगी तो उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और इंटर में क्या होता है, मॉलिक्यूल आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लास्ट टाइम पे समझा। हम लोगों का नियरली सब कुछ कंप्लीट हो गया है, पर हम लोग अब एक इसमें टॉपिक और कर लेते हैं, वाटर के बारे में, आइस के बारे में, आइस का स्ट्रक्चर के बारे में, और फिर हम लोग बाकी फोर्सेस पे आते हैं। तो नीचे इसमें लिखो आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ आइस, कि आइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखो, आइस का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, तो इस तरीके से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें बहुत ढेर सारे मॉलिक्यूल होते हैं। देखो, आप आगे जाओगे तो हर साइड ऐसे रिंग चलता जाएगा। ठीक है, ऐसे फिर जाओगे तो इधर भी और इधर भी, हर साइड ऐसे चलता जाएगा। 8 मेंबर की रिंग हर साइड बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले कितने 8 मेंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 8 मेंबर का रिंग बनता जाएगा। तो देखो, आपके पास ये कुछ कुछ ऐसा चलता जाएगा। तो आप लोगों ने कभी केज देखा, आप लोगों क्या, अरे केज भाई, केज पिंजरा जिसमें बर्ड्स को, चिड़िया को रखा जाता है, कभी देखा होगा उसमें कुछ कुछ ऐसे हेक्सागन या ऑक्टागन बने होते हैं, मतलब केज, अरे जिसमें चिड़िया बर्ड्स को रखते हैं, वही वही केज। तो आइस का स्ट्रक्चर बोला जाता है ये कैसा, केज टाइप स्ट्रक्चर। तो आप लोग नीचे लिख लो कि आइस का स्ट्रक्चर कैसा, केज। कुछ कुछ आपको केज की जैसे दिखाई देगा जहां पे बर्ड्स को रखे जाते हैं, समझ में आ गया ना, केज भाई। ठीक है, केज टाइप स्ट्रक्चर। अब देखो इस स्ट्रक्चर में है क्या, ये देखो, अरे ये देखो, ये देखो रिंग की, ये जो स्पेस, ये फ्री स्पेस है ना, फालतू जगह है। तो यहां पे क्या है, फ्री स्पेस। अगर फ्री स्पेस है तो मतलब कि खाली जगह है, तो इस वजह से क्या होगा, आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है। ठीक है, देखो तो पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं। अच्छा, पानी में देखो, तो ठीक है सब ड्रॉ। अच्छा, पानी में अगर आप बर्फ डालते हो तो बर्फ तैरता है, फ्लोट करता है। तो आपको ये शायद बात पता होगा कि वाटर में वही फ्लोट करता है, वही तैरता है जिसका डेंसिटी वाटर से कम होता है। तो आइस फ्लोट करता है, अरे पानी में आइस डालोगे तो आइस तैरता है ना, नहीं पता घर पे अभी आज ही करके देख लेना, तैरता है। तो मतलब कि आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है। ठीक है, अगर डेंसिटी कम है तो मास तो कंजर्व होता है, तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, मास तो कंजर्व है, तो डेंसिटी कम होने का मतलब वॉल्यूम ज्यादा, तो आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है। तो यही है, आइस में क्या होता है, फ्री स्पेस होते हैं, ये जैसे केज के बीच में भाई फ्री स्पेस है, तो इस वजह से आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है, इसलिए आइस का डेंसिटी कम होता है, इसलिए आइस वाटर में फ्लोट करता है। आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है, अगर आपको रियल में फील करना है, एक पानी का बोतल, 1 लीटर का पानी का बोतल लेना घर पे, पूरा ऊपर तक फिल कर देना, और ढक्कन को बंद करना और फ्रीजर में डाल देना, पूरा ऊपर तक बनना। वो जब वो वाटर आइस में कन्वर्ट होगा, तो क्योंकि आइस का वॉल्यूम ज्यादा होगा, वो एक्सपैंड करेगा, जब एक्सपैंड करेगा आपकी जो भी बॉटल है वो टूट जाएगी, 100% टूट जाएगी। आप करके देखना, चाहो देख लेना। ठीक है, कोई डैमेज होगा तो मत बोला सर आपने बोला था। ठीक है, अगर आप कांच उसकी बॉटल लोगे तो हो सकता है वो पूरी की पूरी टुकड़े टुकड़े हो जाए। ठीक है, मतलब अब आपकी मर्जी, वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा, प्लास्टिक के केस में एक्सपैंड करेगा तो हो सकता है आपको उतना फील ना हो, तो ठीक है आप किसी हार्ड मेटल या हार्ड में लेके देखना, हो जाएगा। तो आइस का वॉल्यूम क्या होता है, वाटर से ज्यादा होता है, वॉल्यूम ज्यादा तो डेंसिटी कम। ठीक है, 10वीं नीचे लिखो, लिखो इन
इन आइस फ्री स्पेस, फ्री स्पेस इज प्रेजेंट, सो वॉल्यूम ऑफ आइस इज मोर, सो डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस, सो आइस फ्लोट, अरे फ्लोट भाई तैरना, सो आइस फ्लोट्स, सो आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, पानी के सरफेस पे तैरता है आराम से, तो आइस का डेंसिटी क्या होता है, कम होता है, ठीक है। चलो अब दूसरी स्टोरी समझते हैं। अच्छा, वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? आप बोलोगे सर 4 डिग्री पे। अरे बताया जाता है ना कि पानी की डेंसिटी 4 डिग्री पे ज्यादा होती है। तो होता क्या, जब आप आइस को मेल्ट करते हो, आइस को मेल्ट करते हो तो 0 से 1 डिग्री 2 डिग्री तो डेंसिटी बढ़ता है, 4 डिग्री तक डेंसिटी बढ़ता है, उसके बाद डेंसिटी कम होने लगता है। देखो होता क्या है, आप जब हीट करोगे तो एनर्जी दोगे, जब एनर्जी दोगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटने लगता है। तो देखो होता क्या है, आप जब एनर्जी दोगे तो हो सकता है ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये टूट जाए, भाई मान लो टूट गया ये, ठीक है। तो जब आप हीट करोगे तो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगा और ये मॉलिक्यूल क्या होगा, यहाँ पे आके फिट हो जाएगा। अरे यहाँ पे वाटर आ गया तो ये जो फ्री स्पेस है वो कंज्यूम हो गया। तो क्या होता है कि जब भी आप हीट दोगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगी, तो आप जब हीट करते हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटने लगता है, तो ये जो फ्री स्पेस अवेलेबल है वो कम होने लगता है। कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटा तो मतलब कुछ, देखो कुछ जो भी इसके जो भी मेंबर, जो भी रिंग थे, कुछ रिंग टूट जाएंगे, उसके जो मॉलिक्यूल फ्री होंगे तो वो कुछ रिंग टूट जाएंगे, कुछ रिंग, और उसके जो मॉलिक्यूल फ्री होंगे वो बाकी बचे हुए रिंग के जाके सेंटर में ऑक्यूपाई कर लेंगे। 4 डिग्री पे क्या होता है, 4 डिग्री पे मतलब जितने रिंग होते हैं सारे रिंग पे क्या होता है, सेंटर पे वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। 4 डिग्री पे क्या होता है कि कोई फ्री स्पेस नहीं होता, फ्री स्पेस नहीं होता, उसकी डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप जब और हीट करोगे तो ये भी भाई टूटने लगेगा, उसके बाद स्ट्रक्चर रैंडम होने लगता है। अरे आप खुद सोचो, एक मैं आपको बताता हूँ, ये जैसे मैंने ये जो कपड़ा पहना, शर्ट मैंने जो पहना, मान लो आपने 10-15 कपड़े ऐसे फेंक दिए मान लो अपने बेड पे, तो आपको लगेगा बहुत वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। अपने इस शर्ट को या आप अपने जीन्स को, जो भी होगा टी शर्ट को फोल्ड करो, फोल्ड करके रखो, देखो कम वॉल्यूम पे प्रॉपरली फोल्ड हो जाएगा। जब कोई चीज़ सिमेट्रिक होता है तो कम वॉल्यूम पे वो क्या होता है, अरेंज हो जाता है, और जब रैंडम उसको फेंक दोगे तो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। 4 डिग्री के बाद क्या होता है, अरे ये रिंग ही टूटने लगता है, तो अब सारे मॉलिक्यूल फ्री है, कुछ भी करेंगे तो स्ट्रक्चर रैंडम होगा, तो रैंडम होगा तो वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है। और 100 डिग्री पे जाते जाते 100 डिग्री पे सारे के सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म, तो उसके बाद लिक्विड से वेपर, ठीक है, समझ में आई ये स्टोरी है पूरी। तो इसमें नीचे लिखो, लिखो व्हेन टेम्परेचर ऑफ आइस इंक्रीजेस आइस इज कन्वर्टेड इंटू वॉटर, एस वी इंक्रीज द टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वॉटर इंक्रीजेस। अरे पहले 0 डिग्री पे आइस से वॉटर बनता है, ठीक है, 0 डिग्री पे, फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे डेंसिटी बढ़ेगा, एस वी इंक्रीज द टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वॉटर इंक्रीजेस, एट 4 डिग्री डेंसिटी ऑफ वॉटर इज मैक्सिमम एंड इट इज 1 ग्राम पर ml। तो 4 डिग्री पर होता है कितना, 1 ग्राम पर ml। एट 4 डिग्री सेल्सियस नो फ्री स्पेस इज अवेलेबल इन वॉटर मॉलिक्यूल, वॉटर मॉलिक्यूल में कोई फ्री स्पेस अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। फिर इसमें आगे लिखते हैं, लिखो ऑन फर्दर हीटिंग रिंग ऑफ वॉटर इज ब्रेक्ड इज ब्रोकन, ऑन फर्दर हीटिंग रिंग ऑफ वॉटर इज ऑल्सो ब्रोकन, सो स्ट्रक्चर ऑफ वॉटर बिकम्स रैंडम, सो वॉल्यूम ऑफ वॉटर इंक्रीजेस एंड डेंसिटी ऑफ वॉटर डिक्रीजेस, ठीक है। और फर्दर हीट करेंगे तो रैंडम स्ट्रक्चर हो जाता है, तो डेंसिटी क्या होने लगता है, कम होने लगता है, और 100 डिग्री पे सारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाता है और वेपर में कन्वर्ट जाता है, ठीक है, वो हमको भी बस हो गया, इतना बहुत है। तो ये हो गया भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग के सारे केसेस, ठीक है।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब होता है जब हाइड्रोजन क्या होता है, किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होता है। अब हम लोग इसमें चलो बाकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सेकेंड आपके पास क्या है, डाइपोल। तो अब नीचे हेडिंग लिखो अदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, नीचे लिखो अदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहला था, अब दूसरा करते हैं डाइपोल, डाइपोल फोर्स। ठीक है, यहां पे हाइड्रोजन मतलब होगा तो वैसा पोलर वाला है, पर देखो वो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर पर डिपेंड करता है। जब साइज बड़ा होता है तो आर ज्यादा होता है, आर ज्यादा होगा मतलब अगर आपके पास आर जो होगा ज्यादा होगा, मतलब देखो जब साइज बड़ा होगा तो आर ज्यादा, आर बड़ा होगा तो फोर्स कम होगा। हाइड्रोजन का साइज छोटा होता है, हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा होता है, तो इस वजह से क्या होता है आपके पास हाइड्रोजन में क्या होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होते हैं आपको मतलब स्ट्रांग होता है, पर बाकी मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होगा। आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, अरे ये समझो, देखो ईथर ले लो, देखो यहाँ पे चार्ज है, जब चार्ज होगा तो इसको डाइपोल बोलते हैं। अरे भाई डाइपोल मोमेंट पड़ा था ना, देखो दो चार्ज है, डाई का मतलब दो, पोल मतलब दो चार्ज, तो इसको डाइपोल बोलेंगे। तो एक ईथर और दूसरे ईथर में ऐसे चार्ज होगा तो इसमें क्या है डाइपोल, और दो डाइपोल के बीच में अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ध्यान रखना हाइड्रोजन होना जरूरी है। अगर दो ऐसे चार्ज में अट्रैक्शन हो रहा है मतलब जहां पे हाइड्रोजन, अरे हाइड्रोजन तो अलग है कार्बन और ऑक्सीजन में, तो ये क्या है डाइपोल डाइपोल, ठीक है डाइपोल डाइपोल, तो ये क्या है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो इसमें नीचे लिखो लिखो दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल, बट इन दिस हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो ये आपके पास होगा डाइपोल डाइपोल। और समझना जैसे कीटोन भाई ले लो कीटोन, और ये आर का मतलब कार्बन चेन कीटोन, तो यहां माइनस होगा यहां प्लस, तो यहां पे जो होगा वो डाइपोल डाइपोल। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन नहीं होगा तो डाइपोल डाइपोल। ठीक है, और डाइपोल डाइपोल ध्यान रखना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वीक होता है, तो बस ये डाइपोल डाइपोल मतलब जहां पे चार्ज होगा डाइपोल डाइपोल। ठीक है, अब तीसरा करते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड, डाइपोल इंड्यूस का मतलब कि डेवलप किया गया। देखो होता क्या है, कई बार ऐसा बोलते हैं ना कि फ्रेंडशिप जो होते वो एक ही जैसे लोगों में होनी चाहिए, कभी दो अलग अलग वैरायटी के लोगों में फ्रेंडशिप नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो दो दोस्तों में मतलब मान लो दो लोगों में दोस्ती है, एक बच्चा पढ़ाई करना चाहता है और दूसरा बच्चा कहता है अरे पढ़ाई वढ़ाई में क्या रखा है, घूमो घामो मजे करो यही जिंदगी है, तो जो दूसरा बच्चा जो है जो पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता है मतलब वो क्या करेगा, दूसरे वाला जो बच्चा पढ़ाई करता है उसको डेली बोलेगा अरे क्या पढ़ता रहता है फालतू में चल घूमते हैं। तो धीरे धीरे जो पढ़ाई करता है वो भी इंड्यूस हो जाएगा उसकी तरफ कि हाँ मतलब देखो एक बच्चा पढ़ता है एक बच्चा नहीं पढ़ता, जो नहीं पढ़ता वो डेली बोलेगा अरे क्या पढ़ता है चल घूमते हैं क्या रखा है पढ़ाई लिखाई में कुछ, मतलब बोलेगा अरे पढ़ाई लिखाई करके आज तक किसी का कुछ हुआ है, तो वो बोलेगा हाँ बात तो सही कह रहा है, तो दूसरा वाला बच्चा पढ़ाई लिखाई करना बंद कर देगा। जो पढ़ाई लिखाई बंद कर देगा तो जो पढ़ाई नहीं करता था उसने दूसरे वाले को भी इंड्यूस कर दिया कि अरे छोड़ पढ़ाई लिखाई चल घूमते हैं, तो दूसरे को इंड्यूस किया अपने जैसा बना दिया, मतलब ये खुद तो पढ़ाई नहीं करता था दूसरे वाले को भी बर्बाद कर दिया, मतलब खुद तो बर्बाद था दूसरे वाले को भी बर्बाद किया, तो एक ने दूसरे को भी अपना जैसा बनाया मतलब बर्बाद किया। तो वही आपका है, एक डायपोल ने दूसरे को डायपोल बनाया, तो इंड्यूस डायपोल। मतलब यहां क्या होगा देखो समझो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन चाहिए था, डायपोल डायपोल के लिए दोनों मॉलिक्यूल पोलर चाहिए थे। आप लिखना चाहो तो लिख लो, लिखो इन डायपोल डायपोल इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बोथ मॉलिक्यूल मस्ट बी पोलर, वहां पे पोलर होते थे। यहां पे क्या होगा, यहां पे ये क्या होगा, ये होगा पोलर और ये होगा नॉन पोलर, तो पोलर वाला नॉन पोलर को भी मतलब अपना जैसा बनाएगा। कैसे, कोई मॉलिक्यूल ले लेते हैं जो आपको पसंद है, कोई मॉलिक्यूल ले लो भाई कोई भी, HCl ले लेते हैं और Cl2 कोई भी ले लो, एक पोलर एक नॉन पोलर। देखो HCl में क्या होता है तो कैसे समझ लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड के टर्म में, ये हाइड्रोजन
और एक क्लोरीन, क्लोरीन पे माइनस चार्ज, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज, ठीक है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और यहाँ पे क्या था, क्लोरीन। भाई ये क्लोरीन मस्त था, आपस में सिमेट्रिकल था, वही होता है ना जब आप मान लो कई बार अच्छा काम करते रहो, पर लाइफ में क्या होता है अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो बाकी लोगों से आपकी खुशी देखी नहीं जाती, मतलब सोसाइटी हमारी ऐसी है, कोई अच्छा काम करे को उसकी खुशी नहीं देखे, जब उसको बर्बाद करना है तभी तो मजा आएगा। तो अब ये क्लोरीन बेचारा मस्त है, सिमेट्रिकल है, इस क्लोरीन से देखा नहीं गया, बोलेगा ये सिमेट्रिकल है ऐसा कैसे। उसने कहा कि अब कुछ ना कुछ तो मिर्च मसाला लगाना पड़ेगा इसको डिस्टर्ब करते हैं। तो उसने क्या किया, इस पर माइनस चार्ज, अरे एस एल पोलर है, इस पर माइनस चार्ज, इसने अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को धक्का मारा, अरे इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टर्ब किया, और देखो क्या हुआ, अरे ढेर सारे मॉलिक्यूल एस एल क्लोरीन को मिक्स कर दिया, या समझ लो दूसरा ऐसा भी समझ लो, आपको जो समझना चाहो समझ लो, बात एक ही है, मतलब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, इस पे H प्लस, इस पे Cl माइनस, तो यहाँ प्लस चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने साइड खींच रहा है, देखो क्या हो रहा है, देखो समझो, ये पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर, या फिर ये पोलर, मतलब ऐसे ढेर सारे होंगे, फिर नॉन पोलर, मतलब फिर पोलर, फिर नॉन पोलर, फिर पोलर, फिर नॉन पोलर, ये माइनस चार्ज इसको धक्का मारेगा, अरे माइनस चार्ज ना, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो यहाँ पे बैलेंस है तो उसको बोलेगा लेके जाओ यहाँ से, और यहाँ प्लस चार्ज खींचेगा, तो ये खींच रहा है धक्के मार रहा है, इसकी वजह से ये बेचारा मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो डिस्टर्ब होने की वजह से क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने साइड खींच रहा है, इधर से थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसका भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। आप लोग दूसरा डायग्राम ड्रॉ करना, ठीक है, तो ये देखो क्या होगा, डिस्टर्ब हो गया, अब इसमें भी क्या होगा, ये क्लाउड थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ऐसा, तो यहाँ आ गया माइनस, यहाँ आ गया प्लस। तो एक पोलर मॉलिक्यूल ने नॉन पोलर को इंड्यूस किया, डेवलप किया, तो वो कहलाएगा इंड्यूस डायपोल। तो पोलर ने नॉन पोलर को भी बर्बाद किया, बोला कि मेरे जैसे बनो, तो इसको बर्बाद किया, इस पे भी चार्ज डेवलप किया। अब देखो नेगेटिव पॉजिटिव इनमें जो अट्रैक्शन होगा, या नेगेटिव पॉजिटिव जो अट्रैक्शन है वो क्या कहलाएगा, डायपोल इंड्यूस डायपोल। तो डायपोल इंड्यूस डायपोल में एक पोलर होगा एक नॉन पोलर, पोलर वाला नॉन पोलर वाले को भी क्या होगा, चार्ज दिलवाएगा, उसको भी बर्बाद करेगा, और फिर दोनों में बॉन्डिंग, ठीक है, दोनों में दोस्ती, मतलब दो लड़के थे, एक पढ़ाई करता था, एक घूमता घामता था, घूमने घामने वाले लिखा रहे क्या रखा है पढ़ाई लिखाई में, उसको भी पहले घूमना घामना सिखाएगा, फिर दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाएगा, दोनों घूम रहे हैं ऐसी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई बंद, ठीक है। तो दोनों ने एक साथ डिसाइड किया कि पढ़ाई लिखाई बंद करना है, तो वो आपका ऐसा, तो पहले ये मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं करता था, ये पढ़ाई करता था, इसने इसको डिस्टर्ब किया, अब दोनों ने एक ही जैसे होगा सब बॉन्डिंग। तो ये होता है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, ठीक है, इसमें नीचे लिखो, लिखो इसमें, लिखो इन दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ड्यू टू पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल is induced, induced मतलब कि हो गया उसमें develop हो गया, due to polar molecule, non-polar molecule is induced, so this intramolecular force is known as dipole induced dipole, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, dipole induced dipole, ठीक है। ये तो आपके पास दूसरा तीसरा था, फिर चौथा and dipole, एंड डायपोल। अरे भाई ये तो सबसे सिंपल है, घर में पानी में नमक मिला दो तो नमक टूट जाता है ना आपके पास, तो मान लो Na प्लस, और मान लो आपके पास कुछ भी है वाटर, तो एक आयन और एक एक आयन और एक डायपोल पोलर मॉलिक्यूल कोई भी ले सकते हो, फिर ऐसे समझ लो कि अगर सेल माइनस होता, तो ये भी इसमें देखो चार्ज ज़्यादा है तो इसलिए ये फोर्स काफ़ी स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो इसमें मतलब बस आपको ये पता होना चाहिए किसमें क्या होते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन यही आ सकता है, चार आपको ऑप्शन दे दिया जाए, पूछा कि कहाँ पे कौन सा फोर्स प्रेजेंट है बताओ, या फिर जैसे बोले कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इज प्रेजेंट, बस पहचानना होगा, ठीक है। बाकी कौन स्ट्रांग है कौन वीक, तो आप खुद से सोचो, कॉमन सेंस सोचो कि देखो आयन है तो ये वाला स्ट्रांग होगा, फिर इससे वीक, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो वैसे स्ट्रांग होता है पर ये सबसे स्ट्रांग होगा,
हाँ उससे वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उससे वीक फिर डायपोल डायपोल, उससे वीक डायपोल इंड्यूस डायपोल, अरे डायपोल इंड्यूस डायपोल वीक होता है वो। जहाँ पे आप डेवलप कर रहे हो तो कहाँ से स्ट्रांग होगा वो। और आयन चार्ज भाई ये तो बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो आप इसमें नीचे लिखो लिखो इन दिस इंट्रामोलिकुलर फोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होता है, बस यही इतना बहुत है इसमें। एक्चुअल में सब इम्पोर्टेंट है नहीं, पता होना चाहिए, बस पहचानना आना चाहिए। और जब भी आयन की बात आएगी तो ध्यान रखना स्ट्रांग होगा हमेशा। अरे आयन में तो प्योर चार्ज है, प्योर चार्ज का बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा। फिफ्थ आयन इंड्यूस डायपोल, तो इसमें क्या किया आपने, कुछ आयंस को नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डाल दिया। अरे मान लो कि NaCl को आपने डाल दिया इस बार क्लोरीन, अरे Cl2 के लिक्विड में। तो लिखो इन दिस आयन इज प्रेजेंट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डाल दिया। अब जैसे Na+, अरे वही क्लोरीन जो मस्त था नॉन पोलर, और यही Na+Cl-। अब देखो ये सब सोसाइटी में है, देखो समाज में किसी की खुशी देखी नहीं जाती, ये खुश है NaCl से देखा नहीं जा रहा है, ये खींचेगा भाई अपनी तरफ और ये इसको धक्के मारेगा, अरे निगेटिव चार्ज है तो इसको भी बर्बाद करेंगे, फिर से वही सेम स्टोरी। तो पहले डायपोल ने किया था, अब आयन करेगा। ठीक है, और इनमें जो भी अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा वो कहलाएगा आयन इंड्यूस डायपोल, ठीक है। ये होता है आयन इंड्यूस डायपोल। इनमें देखो पूछा जाए तो सबसे स्ट्रांग कौन कौन सा, देखो अगर ऑर्डर पूछा जाए मैं इन्हीं चारों में लिख रहा हूँ, सबसे स्ट्रांग है आयन डायपोल, ठीक है इन सब में। फिर उससे भी क्या होगा, उससे भी होगा डायपोल डायपोल, फिर उससे भी आयन, अरे जहां पे आप डायपोल डेवलप करोगे तो इंड्यूस डायपोल, उससे भी, फिर इससे भी क्या होगा, इससे भी होगा डायपोल इंड्यूस डायपोल, ठीक है। और सबसे लास्ट में इंड्यूस इंड्यूस डायपोल। ठीक है इंड्यूस इंड्यूस टाइप, ठीक है। तो अब सबसे लास्ट हेडिंग लिखते हैं हम लोग इंड्यूस इंड्यूस डाइपोल। तो हेडिंग लिखो अब आप लोग इंड्यूस इंड्यूस डाइपोल, ये सबसे वीक फोर्स होता है, ठीक है। इसके कई नाम है, मतलब इस फोर्स के अंदर कई नाम है, कभी कदार इसको बोल देते हैं वंडर वॉल फोर्स, वंडर वॉल फोर्स, ठीक है। कभी कभी इसको बोल देते हैं डिस्पर्सन फोर्स, इसी के नाम है भाई, आपको नाम पता होना चाहिए डिस्पर्सन फोर्स, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा नाम है लंदन, अरे लंदन वही सिटी, पर सिटी नहीं है, साइंटिस्ट का नाम है लंदन फोर्स, ठीक है। क्या क्या नाम है, वंडरवॉल फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स, लंदन लंदन फोर्स, ठीक है। ये साइंटिस्ट का नाम है, सिटी का नाम नहीं है, ये बात ध्यान रखना भाई, हो सकता है ना किसी का नाम ये, तो लंदन फोर्स। तो ये फोर्स क्या होता है, मेनली किस पे होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में। तो इसमें लिखो लिखो दिस फोर्स इज प्रेजेंट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये कैसे मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है। तो अरे जैसे मान लो कि आपके पास कोई भी मान लो जैसे पेट्रोल, तो एक्चुअली पेट्रोल ऑक्टेन होता है, ऑक्टेन पता होगा, तो वो नॉन पोलर होता है। मान लो आपस में कुछ मिलाते हो केरोसिन डीजल, सब एल्केन होते हैं, मिल जाते हैं तो सब नॉन पोलर होता है। तो नॉन पोलर में भी आपस में बॉन्डिंग हो जाती है, पर बहुत इजीली मिल भी जाते हैं, बहुत इजीली सेपरेट भी हो जाते हैं। सेपरेट
अरे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सुना होगा, डिस्टिलेशन सुना होगा, ये तो पढ़ाया जाता है 8, 9, 10 में। हीट करते हैं, अरे डिस्टिलेशन में क्या होता है, पेट्रोलियम आता है, हीट करते हैं, पेट्रोल अलग डीजल अलग, आराम से अलग अलग हो जाते हैं। मतलब पेट्रोल और डीजल आपस में मिक्स तो हो जाते हैं पर बहुत इजीली सेपरेट भी हो जाते हैं, मतलब इनमें जो दोस्ती होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है। समझ में आ रहा होगा ना, पेट्रोल डीजल को मिलाओगे मिक्स हो जाते हैं, पर गर्म करने से अलग अलग भी हो जाते हैं भाई, डिस्टिलेशन पता होगा ना ये तो, मिक्स हो जाते हैं पर बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती, तो इनमें बॉन्डिंग थोड़ी सी वीक होती है। ठीक है, ये बॉन्डिंग देखो मेनली किस पे डिपेंड करता है, ये बॉन्डिंग मेनली डिपेंड करता है मास पे। कई बार बुक्स में ऐसा लिखा रहता है कि, मतलब ऐसा मैं बोल देता हूँ कि वंडरवॉल फोर्स हर जगह प्रेजेंट होता है। हाँ भाई वो हर जगह प्रेजेंट होता है, मास मतलब जब भी मास बढ़ेगा तो हम लोग बोलते हैं कि वहां पे वंडरवॉल फोर्स या इंड्यूस इंड्यूस डाइपोल बढ़ता है, वो हर जगह प्रेजेंट। मास जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो उसका रीजन वंडरवॉल फोर्स। ठीक है, तो उसमें नीचे लिखो लिखो इन दिस बोथ मॉलिक्यूल आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल क्या होते हैं, नॉन पोलर। ठीक है, इसमें फिर नीचे लिखो लिखो दिस टाइप ऑफ फोर्स मेनली मेनली डिपेंड्स ऑन मास ऑफ मॉलिक्यूल, एज मास ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस वंडरवॉल फोर्स और इंड्यूस इंड्यूस डायपोल इंक्रीज। अरे कोई भी नाम लिख लो भाई, एक्चुअल में इसका ज्यादा कॉमन नेम वंडरवॉल है क्योंकि सबसे ज्यादा इस पर स्टडी वंडरवॉल ने किया था, बाकी जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा वंडरवॉल फोर्स या फिर क्या होगा, इंड्यूस इंड्यूस डायपोल बढ़ेगा। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल चलो देखते हैं, तो देखो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर मिथेन से ज्यादा होता है इथेन का, मतलब सिंपल ये सब नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इथेन से ज्यादा होता है प्रोपेन का, उससे ज्यादा ब्यूटेन का। इवन ऐसा होता है, अरे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है तो शुरू की आप देखोगे तो जो एल्केन होते हैं शुरू के चार एल्केन गैस होते हैं, अरे मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ये सीएनजी मिथेन गैस सीएनजी, और ये प्रोपेन और ब्यूटेन भाई एलपीजी, एलपीजी पता होगा ना, मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन ज्यादा होता है। ठीक है, शुरू के चार जो एल्केन होते हैं गैस होते हैं, फिर हायर एल्केन अरे पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन, यही सब आपके पास होते हैं लिक्विड। अरे यही गैसोलीन जो होता है, सुनो गैसोलीन वो यही सब होते हैं, गैसोलीन पेट्रोल डीजल, तो ये। और जो हायर एल्केन होता है अरे वैक्स, वैक्स पता होगा ना, अरे मोमबत्ती जो वैक्स वैक्स नेप्था, तो सॉलिड होते हैं। तो जैसे जैसे इनका मास बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, तो लोअर एल्केन देखो गैस होते हैं, फिर मिडिल वाला एल्केन लिक्विड होता है, और हायर वाले एल्केन क्या होते हैं आपके पास सॉलिड होते हैं। तो इनका मेनली फोर्स किस पे डिपेंड करता है, साइज पे। ठीक है, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है या फिर वही इनमें इंट्रामोलिकुलर फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें नीचे पहले लिख लो भाई, पहला आपको यही लिखवाया, नहीं लिखवाया तो मतलब मुझे ध्यान नहीं, अगर लिखवाया है नहीं लिखवाया तो लिख लो। पहला लिखो वंडरवॉल फोर्स मेनली डिपेंड ऑन मास ऑफ मॉलिक्यूल, एज मास ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस वंडरवॉल फोर्स इंक्रीजेस। ठीक है, पहला ये, अगर दो मॉलिक्यूल का मास सेम हो गया क्वेश्चन, तब क्या करेंगे, तब उसका देखेंगे सरफेस एरिया। देखो अगर दो मॉलिक्यूल लीनियर होते हैं तो उनमें ज्यादा सरफेस मिलता है बॉन्डिंग करने के लिए, तो उनका वंडरवॉल फोर्स ज्यादा होता है। अगर आप उसका सरफेस एरिया कम करोगे तो क्या होगा, वंडरवॉल फोर्स कम होगा। इसमें नीचे एक पॉइंट लिखो लिखो इफ टू मॉलिक्यूल हैव सेम मॉलिक्यूलर मास देन, इफ टू मॉलिक्यूल हैव सेम मॉलिक्यूलर मास देन मॉलिक्यूल विथ, देन मॉलिक्यूल विथ विथ मोर सरफेस एरिया हैव मोर वंडरवॉल फोर्स, दैट इज वंडरवॉल फोर्स डिक्रीजेस, दैट इज वंडरवॉल फोर्स डिक्रीजेस ऑन ब्रांचिंग द, मैं ब्रांचिंग बताता क्या होता है, ऑन ब्रांचिंग द कार्बन चेन। मेनली एल्केन के अराउंड ही पूछा जाता है, ऑन ब्रांचिंग द कार्बन चेन, मतलब वंडरवॉल फोर्स डिक्रीजेस डिक्रीज करेगा ऑन ब्रांचिंग द कार्बन चेन। ठीक है, तो देखो समझते हैं क्या है, जैसे आपके पास है ब्यूटेन और दूसरा आपके पास है आइसो ब्यूटेन। अरे आइसो ब्यूटेन पता होगा ना, नहीं पता तो ये इसको
चार चार, देखो दोनों का सेम मास, पर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका ज़्यादा होता है। तो कोई स्ट्रेट चेन है तो दो में क्या होगा कि ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पे देखो सरफेस एरिया कम हो गया, छोटा हो गया तो कम। देखो आप ऐसे समझो, सपोज करो कि आप ऐसे नेचुरली, मैं बोलता हूँ, मैं इसको मैं सोचो, आप नेचुरली अपने आप को सोचो। मान लो कि आपने, आप सो रहे हो अभी ठंड का मौसम है, सपोज करो आपने विंडो ओपन किया, आपको रात को ठंड लगती है, ठीक है, और आपके पास कोई ब्लैंकेट नहीं ओढ़ने के लिए, तो आप कैसे सोते, फैल के? फैल के नहीं सोते ना भाई, ठंड लग रही है, जब ठंड लगती है तो आप अपने बॉडी को समेटने की कोशिश करते हो, क्यों? क्योंकि आप देखो, आपको पता भी नहीं आप क्यों करते हो, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार लोगों को पता भी नहीं होता क्यों, आप एक्चुअल वो नेचुरली होता है, वो हमारी बॉडी का नेचुरली, आप सोचते हो कि समेट लेंगे तो हमारा जो सरफेस एरिया जो है, हम ऐसे समेट लेते अपने आपको, होता है ना पैरों को मतलब फोल्ड कर लेते हैं, कि ऐसा करने से क्या होगा, हमारा सरफेस एरिया कम हो जाएगा और कम से कम बॉडी का जो पार्ट है वो एयर के कॉन्टैक्ट में आएगा, तो हम लोग समेटते तो हमारा बॉडी देखो कुछ कुछ स्फेरिकल हो जाता है, अरे स्फेरिकल होता है, गोल गोल हो जाता है, आप खुद इमेजिन, लंबे हो जाते हो तो और ठंड लगती है, और अपने आपको जब लपेट लोगे, समेट लोगे, तो उसमें क्या होगा, आपका बॉडी कुछ कुछ स्फेरिकल हो जाता है, आपको सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो इससे ठंड कम लगती है। तो वही, तो देखो ये स्ट्रेट है तो इसमें ज़्यादा सरफेस एरिया, ये देखो कुछ कुछ स्फेरिकल हो रहा है, तो सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो इंट्रामोलिकुलर फोर्स कम होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ये? तो जैसे जैसे ब्रांच, देखो ब्रांचिंग मतलब स्ट्रेट चेन, यहाँ पे एक ब्रांच, उसको बोलते हैं ब्रांच, एक साइड चेन, ब्रांचिंग कर दिया तो सरफेस एरिया कम तो बॉइलिंग पॉइंट कम, ठीक है। ऐसे देखो पेंटेन के लिए ये ज्यादा, एक ब्रांचिंग कर दो, और अगर दो ब्रांचिंग कर दो तो देखो ये स्फेरिकल लग रहा है तो और कम, तो नॉर्मल पेंटेन ज्यादा, आइसो पेंटेन, नियो पेंटेन, ठीक है। अगर इनमें आपस में करना हो कंपेयर, तो ये फर्स्ट, ये टू, मतलब इन सबको अगर आपस में कंपेयर करना हो, ये थ्री, ये फोर और ये फाइव, देखो भाई सबसे पहले मास देखोगे तो इनका मास ज्यादा, इनका मास कम, तो थ्री ज्यादा होगा, फिर फोर, पहले मास देखना, पहले मास, फिर फाइव, इनका मास कम तो ये कम, और इनमें वन ज्यादा और फिर टू, ठीक है, ये इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो बस यही आपका होता है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, मतलब सॉरी, यही आपका होता है इंड्यूस इंड्यूस डायपोल अट्रैक्शन या फिर वंडरवाल फोर्स, जो कि मास पे डिपेंड करता है और सरफेस एरिया पे, ठीक है। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखो, कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल, ठीक है, मैं कुछ मॉलिक्यूल दे रहा हूँ, इनका बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना, कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल, हम लोग देखो जो लिख रहे हैं मॉलिक्यूल इनका मास देखो नियरली सेम होगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं करेंगे, तभी हम कंपेयर सही से कर पाएंगे। ठीक है, ये मॉलिक्यूल ले लेते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करते हैं, ठीक है। देखो जो ए आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ईथर में डाइपोल डाइपोल, तो अगर इनमें कंपेयर करोगे सबसे ज्यादा होगा वन, फिर टू, फिर फोर और फिर थ्री। एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट इनमें लोवेस्ट होगा, इसमें डाइपोल डाइपोल या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है, क्योंकि भाई ऐसा होता है, तो इस वजह से इसमें ज्यादा होगा, ठीक है। आपके पास ये एक चीज याद रखना, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल से ज्यादा होता है, एल्कोहल देखो, और एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज्यादा, एल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है नो डाउट, पर यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ एक ही साइड से हो पाएगा, और वाटर में तो पता ही होता है, वाटर बता रखा है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल से ज्यादा होता है पर ईथर से कम होता है, ठीक है। तो हम लोगों का अब क्या है कि केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर कंप्लीट हो गया, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर हम लोगों का पूरा हो गया है। अब आप लोग क्या करना, केमिकल बॉन्डिंग के जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे सॉल्व करना।